पर दोस्तों कुमकुम भाग्य का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से प्राची की शादी होने के बाद में इस समय रणवीर सबसे ज़्यादा रोते और दुखड़ा गाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इसमें हो भी कुछ नहीं पाएगा क्योंकि आखिरकार रणवीर कहे तो कहे क्या, क्योंकि रणवीर से पहले अक्षय ने ही बोल दिया है कि रणवीर की हेल्प से ही आज ये शादी हुई है, क्योंकि रणवीर चाहता था कि मेरी और प्राची की शादी हो। दोस्तों इधर प्राची को अब लग रहा है कि इस शादी में रणवीर का ही हाथ है। दोस्तों वहीं बात की जाए रिया और आलिया इस समय बहुत ज़्यादा टेंशन में नज़र आ रही हैं, और ख़ास करके रणवीर की तरफ से कि रणवीर पता नहीं क्या डिसीजन लेगा, क्योंकि कभी भी रणवीर अपने डिसीजन में कुछ भी चेंजेस कर सकता है, ये भी एक रियलिटी है, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट है। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में कहानी वाकई में एक नए ट्विस्ट पर आ अटक चुकी है, जब आप लोग देख पाएंगे कि सभी लोग इस समय बेहद ज़्यादा कसमकस की स्थिति में नज़र आ रहे हैं कि आखिरकार होगा क्या और कैसे होगा। साथ ही दोस्तों आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी ही आप लोगों के बीच में एक नई अपडेट और निकल कर आने वाली है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से रिया बोलती हुई नज़र आने वाली है कि मुझे हर सूरत में अब रणवीर के साथ में शादी करनी है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों अब इसमें प्राची अक्षय इन सभी का मैटर ख़त्म हो चुका है, अब रिया की शादी करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है। लेकिन वहाँ पर रणवीर तैयार नहीं है, क्योंकि रणवीर को शादी करना था तो प्राची से, लेकिन अब रणवीर करे भी तो करे क्या, क्योंकि रणवीर के सामने कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है। बात की जाए आलिया की, तो आलिया ने प्रॉमिस कर दिया है इस समय रिया से कि रिया तुम फिक्र मत करना, हम तुम्हारी शादी इसी से ही कराएंगे रणवीर से, चाहे कुछ भी करना पड़े इसके लिए मुझे, मैं वो ही करूँगी। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कॉमेंट करके जरूर बताएं।